नमस्कार दोस्तों, तो डायमेंसिटी 7200 जो कि डायमेंसिटी 9200 8200 एग्जैक्टली उसके जैसे ही प्रोसेसर है, फाइनली आज मीडियाटेक की तरफ से लॉन्च हो चुका है। इसका सबसे पहला स्मार्टफोन होगा वीवो V27 जो कि इसी महीने इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो डायमेंसिटी 7200 जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है इसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, एंटूटू स्कोर, गिगबेंच स्कोर, ये सब कुछ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, थोड़ा सा समझिए कि जो डायमेंसिटी 7200 किस लेवल का प्रोसेसर है। तो उस हिसाब से मुझे ये कमेंट में बताना कि Dimensity 7200 के साथ कौन-कौन से प्रोसेसर का आपको कंपैरिजन वीडियो देखना है, इसके बारे में मुझे ये कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि पहले मालूम चला था कि इस प्रोसेसर का ऑफिशियल नाम होगा Dimensity 7200, तो सच में इसका ऑफिशियल नाम है Dimensity 7200। लेकिन जो चीज देख के मुझे सबसे बढ़िया लगा, इसका सीपीयू आर्किटेक्चर, क्योंकि पहली बार तो मीडियाटेक ने कहा है कि एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है, मतलब इसका ऑफिशियल टैग है एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर, मतलब इंडिया पे आएगा 20 से 27,000 के अंदर। तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से हमें इसमें मिल रहा है 4nm प्लस वाला आर्किटेक्चर। अभी 4nm प्लस का मतलब ये कि एक्चुअली सेकंड जनरेशन 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है, और ये सेम आर्किटेक्चर है जो कि हमें Dimensity 9200 में मिलता है। मतलब नो डाउट ये जो प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंसी में सबसे बेस्ट होगा। इस सीपीयू का कोर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा 2+6 कोर स्ट्रक्चर जो कि 2 कोर्टेक्स A715 और उसके साथ 6 कोर्टेक्स A510। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इस प्राइस पॉइंट में हमने जो भी प्रोसेसर देखा है, फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन 770G, उसमें हमें मिलता है कोर्टेक्स A78 या फिर कोर्टेक्स A55 दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें आपको मिलेगा 2 जनरेशन नया कोर, क्योंकि कोर्टेक्स A78 का नेक्स्ट जनरेशन होता है कोर्टेक्स A710, उसका नेक्स्ट जनरेशन होता है कोर्टेक्स A510, मतलब 2 जनरेशन बेटर सीपीयू कोर हमें मिलेगा। और जो हाई परफॉर्मेंस कोर उसका स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज़, और जो पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर उसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़। तो मतलब देख सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल दूसरे सीपीयू के मुकाबले इसका जो कोर सिस्टम उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर इसके रैम, रोम और डिस्प्ले की बात करें, इसमें हमें मिलेगा डुअल चैनल LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा 2750 मेगाहर्ट्ज़। उसके साथ UFS 3.1 तक का स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो मैक्सिमम मिलेगा फुल HD प्लस, उसके साथ 144Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। मतलब कह सकते हैं कि 20 से 27,000 रुपए के अंदर परफेक्ट गेमिंग प्रोसेसर डेफिनेटली हो सकता है। कैमरे की अगर बात करें, इसमें हमें मिलेगा इमेजिक सीरीज का ISP, इसमें हमें सिंगल कैमरे में 200 मेगापिक्सल और डुअल कैमरे में 20 मेगापिक्सल तक का सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा 4K वीडियो 30fps और फुल HD वीडियो 60fps पे ऑप्शन हमें मिलेगा। मतलब कैमरे के मामले में ये जो प्रोसेसर काफी सही है। अगर नेटवर्क की बारे में बात करें, इसमें हमें 6GHz तक का 5G का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 5G में मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड है 4.7 GBPS। इसके अलावा इसमें हमें ब्लूटूथ 5.3, नेविक, डुअल बैंड वाईफाई और वाईफाई 6E ये सभी का ऑप्शन मिलेगा। मतलब 5G नेटवर्किंग के मामले में भी कोई भी कमी इसमें हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम देखेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस प्रोसेसर में हमें मिलेगा माली G610MC4 क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड। वैसे जो MC4 क्वालिटी वाला जो ग्राफिक्स कार्ड अभी तक किसी भी प्रोसेसर ने इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट ग्राफिक्स कार्ड स्कोर कितना होगा वो बोलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसका जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस Dimensity 1080 के मुकाबले काफी बेटर होगा। और अगर हम इसके एंटूटू स्कोर के बारे में बात करें, थोड़ा सा एक लीक इन्फॉर्मेशन मिला है कि इसमें हमें 7 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर मिलेगा। मतलब ये जो प्रोसेसर एग्जैक्टली Dimensity 1080 और जो Dimensity 8200 दोनों के बीच में हमें मिलेगा। और फाइनली अगर हम इसके गिगबेंच स्कोर के बारे में बात करें, तो जो Vivo V27 नाम का जो फोन आने वाला है उसमें हमें ये प्रोसेसर मिलेगा। उसका सिंगल कोर में स्कोर है 845 और मल्टी कोर में स्कोर है 2200 के आसपास। तो Dimensity 7200 के बारे में यही सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इस प्रोसेसर में हमें यही चीज देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर मैं मेरे ओपिनियन देता हूं, इस प्रोसेसर का लीक स्पेसिफिकेशन के ऊपर मैं वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मुझे यही चीज मालूम चला था कि इसमें हमें मिलेगा 6nm प्रोसेसर, थोड़ा सा बेकार क्वालिटी का सीपीयू कोर। लेकिन अभी इसका सीपीयू देख के मुझे यही चीज लग रहा है, पावर एफिशिएंसी और हीट मैनेजमेंट के मामले में ये जो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें हमें फ्लैगशिप लेवल का आर्किटेक्चर मिलेगा वो भी मिड रेंज में, उसके साथ बिल्कुल नया सेट का कोर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। क्योंकि अभी तक A715 और A510, मतलब स्पेशली ये दो कोर के साथ कोई भी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसको मतलब बेटर क्वालिटी सीपीयू कोर के मामले में ये जो प्रोसेसर सबसे बेस्ट होगा, और उसके साथ स्पीड भी इसका सही है 2.8 GHz। उसके अलावा जो रैम रोम मतलब बाकी जो भी चीज है इस प्रोसेसर का एकदम सही लग रहा है। और एक चीज मैं बोल देता हूँ, 20 से 27,000 रुपए के अंदर बहुत सारे जो गेमिंग फोन आने वाला है, गेमिंग फोन का मेन चीज क्या होता है, LPDDR5 का रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज, बेस्ट क्वालिटी का प्रोसेसर और उसके साथ हाई रिफ्रेश रेट, ये चारों चीज इस प्रोसेसर में हमें देखने को मिले।
मिलेगा और उसके साथ मॉडर्न ट्रेंड के जैसा 200 मेगापिक्सल का सेंसर भी मिल रहा है। तो मतलब मैं ये चीज कहूंगा डायमेंसिटी 7200 ये जो प्रोसेसर मुझे काफी बढ़िया लगा मीडियाटेक की तरफ से। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसके साथ कॉम्पीट करने के लिए क्या क्वालकॉम फाइनली स्नैपड्रैगन 770G जो कि इस प्रोसेसर का एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर हो सकता था, क्या उस प्रोसेसर का इस साल कोई अपडेट आता है या फिर 2023 साल में बेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर होगा डायमेंसिटी 7200। ये चीज हमें देखना बाकी है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था इसके बाद आपको डायमेंसिटी 7200 के साथ कौन कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन वीडियो देखना है नीचे एक मुझे लिस्ट दे देना, उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए डेली लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।